हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कानवांगसन एंड सानवांग। सो गाइस, आज मेरी एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है और उनके बर्थडे स्पेशल आज का ये वन शॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मोनी डियर। ओके, एंड आपके लिए ये मेरी तरफ से छोटी सी एकदम गिफ्ट है। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि आपको टाइम ट्रैवल बेस पे एक वन शॉट चाहिए, और मैं आज लेकर के आ गई हूँ आपके लिए ये स्टोरी जो कि टाइम ट्रैवल पर है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। फिलहाल मैंने इसका नाम तो नहीं डिसाइड किया है, बस मैं इसका नाम अभी यही बोल देती हूँ कि टाइम ट्रेवल वाली। ओके, और स्टोरी लाइन क्या है, कैसे क्या होगा, वांगशन कैसे मिलेंगे, कैसे क्या है, इनकी लव स्टोरी कैसे होगी, ये सब कुछ आपको स्टोरी में पता चलेगा। मैं कुछ नहीं बताऊँगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना बता देती हूँ कि ये मॉडर्न टू हिस्टोरिकल है, ठीक है, और ये वांगशन फैन फिक्शन है। मेल प्रेगनेंसी दिखाया जाएगा, ये ओमेगावर्स नहीं है, ठीक है। एंड साथ में चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ और बाकी सब कुछ मैं स्टोरी में बता दूँगी, ठीक है। तो हम दिखाया जाता है हमारे क्यूट से विभूषण को, 20 साल का विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा साइलेंट बॉय है। वो अभी अपने कॉलेज में है, वो स्कूल और कॉलेज दोनों में ही टॉपर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टडी में, उसने अपने लिए तो हर एक चीज़ बेस्ट चुना। मतलब वो चाहता था कि सबकी फोकस जो है ना वो उसके ऊपर आ जाए। वो इस तरीके से वो हर एक कॉम्पिटिशन, हर एक क्लासेस में वो फर्स्ट रैंक पर आता था ताकि सब लोग उसे देखें। सब नहीं तो कम से कम उसकी फैमिली ही देखी, लेकिन शायद उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि उस पर फोकस करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसे प्यार देने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसके फैमिली मेम्बर्स तो हैं लेकिन उसके फैमिली उसे पसंद नहीं करते। क्यों, किस लिए, किस रीज़न से, ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। और ये बात विंग को खुद भी नहीं पता कि आखिरकार उसे कोई क्यों नहीं पसंद करता है। वो इतनी मेहनत करता है, वो अपने भाई बहन से भी ज़्यादा रैंक लेके आता है स्कूल एंड कॉलेज में। वो स्कूल टाइम से ही वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और टॉपर रहा है अपनी स्टडीज में, लेकिन उसे यहाँ पे प्यार करने वाला कोई नहीं है। वी क्योंकि एक साइलेंट बॉय है, वो साइलेंट रहना, अपने आप में ही रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। वो सबके सामने अपने दिल को नहीं खोलता है, ना ही अपने जज्बात को खोलता है। वो हमेशा से ही अपने ख्वाहिशों को दबाते हुए आया है, बस इसलिए कि ताकि वो अपनी फैमिली का नाक ना कटाए। विंग अभी इस वक्त कॉलेज में अपनी क्लासेस ले रहा है। क्लासेस लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है लाइब्रेरी, वहाँ से कुछ बुक्स को लेता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है घर। घर जाके देखता है तो वहाँ पे उसकी माँ है जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, लेकिन विंग उन्हें कुछ ना बोलकर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। उसका रूम वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कह सकते हैं कि सिंगल पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा रूम है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही ज़्यादा छोटा है, ना ही बेकार है, ना ही ख़राब है, ठीक है। तो विंग वहाँ से अपना सारा बुक्स रखता है, कॉलेज बैग रखता है, शावर लेता है और फटाफट रेडी होकर निकल जाता है अपने घर से। वो जाता है एक कैफ़े पे, वहाँ पे जाके वो पार्ट टाइम जॉब करता है। जी हाँ गाइस, विंग पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है बिकॉज उसे मनी देने वाला कोई नहीं है। विंग अपनी स्टडीज़ भी केवल और केवल स्कॉलरशिप पे कर रहा है। वो उसे कोई भी मनी नहीं देता है घर में। वो कहते हैं ना मनी, पॉकेट मनी कोई भी उसे नहीं देता है। उसके कॉलेज का फीस भी कोई नहीं देता है। वो स्कॉलरशिप पर ही अपनी सारी स्टडीज़ को कंप्लीट किया है, हाई स्कूल, इंटर एंड फिर कॉलेज। विंग अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पे है, वो अपने पार्ट टाइम जॉब को कंप्लीट करता है। फिर वहाँ से घर लौटते वक्त वो अपने लिए कुछ फूड को बाय करता है और फिर वो घर आता है। वो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई बहन को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से खाना खिला रही है, और उसकी बड़ी बहन को बोल रही है कि तुम्हारा जल्दी शादी होने वाला है, मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम्हें कभी खिलाने का, इसलिए तुम भी मेरे हाथों से खाओ। ऐसा बोल के बहुत ही प्यार से उसे अपने हाथों से खिला रही है खाना। लेकिन मैडम यू और जियांग चैन और जियांग याली, ये तीनों ही विंग की जो फैमिली है, और वो विंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। विंग इस घर में रहने के बावजूद भी उसे ऐसा फील होता है कि वो इस घर में है ही नहीं, जैसे लगता है कि वो सबकी नज़रों से गायब है। विंग अपना काम खुद करता है, अपने सारे कामों को खुद ही फिनिश करता है। उसका काम करने के लिए भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। सारे मेट्स उसे देखते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करती हैं क्योंकि यही उनका ऑर्डर है। मैडम यू और जियांग फैमिली, वो दोनों ही विंग को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उनके दोनों बच्चे भी विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। विंग अभी अपने रूम में जाता है। विंग अपने रूम में जाकर उस फूड को देखता है जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, फिर भी उसे बेमन से खाता है और उसके आंखों से आंसू बहुत निकल रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि वो जिंदा ही क्यों है, जबकि उसे देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, उसे प्यार करने के लिए कोई नहीं है, उसे नहीं रहना। वो अब तंग आ चुका है इस ज़िंदगी से, वो अब इस वर्ल्ड से तंग आ गया है। इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है उसका, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा आज। मैं जो आज तक नहीं कर सका वो आज करूँगा, मुझे आज इस घर में नहीं रहना, मुझे घुटन हो रही है इस घर में, मुझसे नहीं रहा जाएगा। ऐसा विंग सोच के वो उठता है और उठकर एक सूटकेस में अपना पूरा सामान, डेली रूटीन्स का एंड मतलब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पेपर्स वेपर्स सब कुछ पैक करता है।
कुछ ड्रेसेस पैक करता है और फिर वो वेट करता है सबके सो जाने का। कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है, क्योंकि घर में पूरा सन्नाटा हो चुका था, वो समझ जाता है कि वो घर अब घर के सभी मेंबर सो चुके हैं, यहाँ तक कि मेट्स भी चुपचाप निकलता है उस जगह से। वो वहाँ से निकल के पैदल ही चलना स्टार्ट कर देता है। उसका घर वैसे तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन विंग के लिए वो एक सबसे छोटा घर था, सबसे छोटा। वहाँ पे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था या परिंदा नहीं था जो विंग को पसंद करे या विंग को अपना बोले या फिर विंग उसे अपना बोल सके। अपना होने के बावजूद भी विंग यहाँ पे पराया फील करता है। ये सोचते ही विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग निकलता है और वहाँ से एक बस स्टॉप पर चला जाता है। वो देखता है कि बस स्टॉप पर कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा है। विंग वहाँ से भी उठता है और वो चलना स्टार्ट कर देता है। वो पैदल ही चलता है। पैदल चलते चलते उसे एक ब्रिज दिखाई देता है। वो ब्रिज पे जाके खड़ा हो जाता है। ब्रिज पे खड़ा होने के बाद वो नीचे पानी को देखता है। ऊपर चाँद, नीचे पानी, इतना खूबसूरत नज़ारा था। चाँद जो कि अपने रंग रूप में था, पूरा गोल आकार में था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पानी में उसकी छवि इतनी प्यारी लग रही थी, उसे देखते ही मन मोह ले रहा था। लेकिन विंग के मन को शांति देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। विंग को शांत करने वाला कोई नहीं है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जो उसके आंसू को पोंछ सके। विंग अपने आंसुओं को पोंछता है खुद से, और वो अपने मन में ही बोलता है, यहाँ पे कोई नहीं है जो जिसके पास मैं जाऊँ, जिससे मैं सहारा मांगूँ, जिससे मैं प्यार मांगूँ। कोई एक इंसान नहीं है तो मेरे जीने का फ़ायदा है क्या, मतलब है क्या? अगर मुझे बचपन में ही मार देता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये लोग क्यों मुझे इतना बड़ा होने दिया, क्यों मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे अब नहीं जीना। ऐसा सोच के विंग अपनी आँखों को बंद कर लेता है और वो उस पानी में जो ब्रिज के नीचे जो नदी था वहाँ पे छलांग मार देता है। विंग का सूटकेस भी विंग के साथ जाता है, विंग दोनों चीज़ लेके जाता है, ठीक है। तो विंग वहाँ से कूदता है। कूदने के बाद वो पानी के अंदर, बहुत अंदर गहराइयों में जाने लगता है। विंग अपनी आँखों को बंद कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है, अलविदा, मैं अब यहाँ का नहीं रहा, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा सोच के वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई रोशनी, बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी उसकी तरफ आ रही है। विंग जो कि अपनी आँखों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता। विंग जैसे तैसे करके वो मतलब रोशनी से हटने की कोशिश करता है लेकिन वो हट नहीं पाता है। लेकिन तभी कोई एक इंसान उसे पकड़ के और ऊपर की ओर खींचता है और बोलता है, हे स्टूपिड बॉय, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ पे डूब क्या, तुम आत्महत्या कर रहे थे यहाँ पे। तभी भी जो कि अपनी आँखों को खोलता है बहुत मुश्किल से और वो अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि कोई एक इंसान जो कि अजीब लग रहा है, क्या ये सैनिक का ड्रेस है, ये किस तरीके का ड्रेस है। विंग ने काफ़ी सारे नॉवेल्स, काफ़ी सारे बुक्स पढ़ी हुई है, इसीलिए उसे काफ़ी चीज़ का नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो विंग जब उन ड्रेसेस को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये तो किसी एक सैनिक का ड्रेस है। वो लड़का विंग को उठाता है और फिर वो देखता है कि उसके हाथ में कोई सूटकेस टाइप है, मतलब कोई अजीब सा चीज़ है। तो वो बोलते हैं कि तुम इसमें क्या रखे हो, क्या तुम कोई जासूस हो जो कि इस तालाब में घुस के हमारे राज्य की जासूसी कर रहे थे। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो पता भी नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। तो वो लड़का बोलता है, तुम्हें तो मैं किंग के पास लेके जाऊँगा और वो ही तुम्हें सजा देंगे। ऐसा बोल के वो लड़का विंग को खींचते हुए एक दरबार में लेके जाता है। वो बड़ा सा दरबार था, काफ़ी बड़ा दरबार था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। विंग अपने मन में सोचता है कि ये कौन सी दुनिया है, क्या मैं टाइम ट्रैवल किया हूँ, हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया है, ये वो दुनिया नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। काश यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली मिली, काश यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि मुझे पसंद करें, मुझसे बातें करें, मुझसे दोस्ती करें। ऐसा बोल के विंग एक छोटा सा स्माइल करता है जिसे कोई नहीं देख सका, कोई भी नहीं देख सका। वो लड़का जो कि विंग को पकड़ा हुआ था, या फिर ये कह ले वो सैनिक जो कि विंग को पकड़ा हुआ था, वो उसे खींचते हुए ले जाता है और उसे एक दरबार में ले जाकर छोड़ देता है। और वो किसी इंसान की तरफ देखते हुए वो बो करता है और बोलते हैं, महाराज हंगवनजुन, ये देखिए ये लड़का मुझे हमारे कोल्ड पॉन में मिला और ये बहुत ही अजीब तरीके का ड्रेसअप करके रखा है, कपड़े पहना है, और इसके साथ ही साथ मुझे ये बैग, ये अजीब सा चीज़ भी मिला जो कि इसके साथ ही था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे यहाँ का लोग है, ये पक्का कोई अदर किसी दूसरे क्लान का कोई जासूस ही होगा जो कि हमारे क्लान में आकर के हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही वो महाराज जो कि हंगवनजुन जिसे लोग कहते हैं, जी हाँ ये हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड लान वांगची है, महाराज हंगवनजुन जो कि उस लड़के को देखते हैं। वो लड़का देखने में काफ़ी इनोसेंट, स्वीट और क्यूट था। उसके आँखों पर लगा वो गोल गोल चश्मा और साथ में उसका क्यूट सा वो आंखें और उसका छोटू सा नाक और साथ में उसके चबी चिक्स और हाँ रोजी सा लिप्स, वो मत भूलिएगा, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट लिप्स के नीचे वो छोटा सा मोल,
जो कि विंग को और भी खूबसूरत बना रहा था। वांग जी विंग को देखता है और वो बोलता है अपने मन में, क्या ये कोई जासूस है? मुझे क्यों नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जासूस है। ऐसा सोच के लान वांग जी जो कि अपने आसन से वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी विंग बोलता है, मेरा नाम विवशियान है, आप मुझे विंग भी कह सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो अपनी दुनिया में अपनी जान देने जा रहा था नदी में कूद के, लेकिन मैं तो यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी दुनिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी दुनिया है? तो लान वांग जी उसे शॉकिंग नज़रों से देखता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या इसे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी दुनिया है? और ये बोल रहा है, ये सैनिक बोल रहा है कि ये हमारा जासूस है, मुझे नहीं लगता। फिर लान वांग जी बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ कौन सी दूसरी दुनिया, कैसी दुनिया, तुम ये क्या बोल रहे हो? और तुम खुद को ही मारने जा रहे थे, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम खुद को ही मारने जा रहे थे? तभी विंग बोलता है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं खुद को ख़त्म करने जा रहा था। ये सुनते ही लान वांग जी उसे घूर घूर के देखने लगता है, यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी उसे घूर घूर के देख रहे थे कि ये क्या बोल रहा है इंसान। फिर उसके बाद वहीं पे लान वांग जी के बगल में खड़ा एक इंसान आगे आता है और बोलता है, उसके फेस पे एक छोटा सा स्मेल था, वो विंग के करीब जाता है, उसे पहले खड़ा करता है क्योंकि जब वो सैनिक ने धक्का दिया था तो विंग नीचे गिर गया था, तो वो पहले विंग को उठाता है और खड़ा करता है और वो पूछता है कि आप सही सही बताइए कि आप यहाँ पे कैसे आए? तो फिर वो बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, वो विवशियान है उसका ये नाम है और साथ में वो यहाँ का नहीं रहने वाला है, वो फ्यूचर से ही आया है, शायद उसने टाइम ट्रैवल किया है। ये सुनते ही जो वो इंसान था वो हर मंजुन की तरफ देखता है और बोलता है, महाराज शायद ये लड़का ठीक कह रहा है, सच कह रहा है, क्योंकि इसे देख के तो नहीं लगता कि ये हमारी दुनिया से है और इसके वस्त्र भी कुछ हमारी दुनिया के नहीं लग रहे हैं। तो लान वांग जी बोलता है, सिचैन क्या तुम सही कह रहे हो? तुम्हें ये लगता है? ठीक है हम इस पर नज़र रखेंगे, अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की तो हम उसी पल इसे मार देंगे, तब तक के लिए इसे ले करके जाओ और इसे किसी एक कक्ष में, इसे एक कक्ष दे दो और वहीं पर इसे रखो और इस पर नज़र 24 घंटे लगाए रखो। ये सुनते ही वो जो लड़का है, जी हाँ लान सिचैन, वो महाराज को वो करता है। लान सिचैन लान वांग जी के ही भाई हैं, छोटे भाई हैं और लान सिचैन अपने ब्रदर लान वांग जी की जैसा खड़ूस नहीं है, वो बहुत स्वीट है। वैसे तो लोग कहते हैं कि हंग वंजुन बहुत ज़्यादा खड़ूस है, आकड़ू है, बट वो राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हंग वंजुन जितना बाहर से खड़ूस और आकड़ू दिखाते हैं वो अंदर से उतना ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है। उन्हें लोगों की परख करने आता है, उन्हें पता है कि लोगों को किस नज़रिए से देखना चाहिए और कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें यह बात काफ़ी अच्छे तरीके से पता है और इसीलिए ही लान वांग जी ने विंग के साथ कुछ नहीं किया, उसे कोई भी सजा नहीं दिया, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इससे बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, विंग जिसे एक रूम दिया गया था और वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विंग सोचता है, ये तो मेरे रूम को मिला करके 4-5 रूम के बराबर हो जाएगा, वाह ये कितना बड़ा रूम है, ये तो आज तक इतने बड़े रूम में नहीं रहा, बहुत सुंदर है। ऐसा सोच के विंग एक स्मैल करता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो लान सिचैन है वो उसे स्मैल करके देख रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि ये कौन सा एरिया है, आप मुझे बता सकते हैं? तो लान सिचैन बताते हैं कि ये गुसु लैंड सेक्टर है। ये सुनते ही लान वांग जी सॉरी विवशियान जिसका माइंड क्लिक करता है और बोलता है, गुसु लैंड सेक्ट, तभी मैं बोलूँ मुझे हंग वंजुन नाम सुना सुना क्यों लग रहा है, ये तो हंग वंजुन का शहर है, सॉरी दुनिया है, मैंने बुक्स में पढ़ा था, लास्ट में जाकर के हंग वंजुन के प्रेमी का मौत हो गया था, हाँ क्या नाम था याद आया, यिलिंग पेट्रैक, जिसके बाद हंग वंजुन काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे सबके नज़रों में, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड थे, उन दोनों का एक बच्चा भी था अडॉप्टेड सन, क्या नाम था याद आया, युआन, क्या मैं उनके दुनिया में आ गया हूँ, ओ माय गॉड, यानी कि मैं फ्यूचर से पास्ट में आ गया हूँ, वो भी वो हिस्टोरिकल बुक में, ओके मुझे तो स्टोरी पता है लेकिन मैं किसकी बॉडी में आया हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, और ये लोगों ने मेरे साथ कुछ किया नहीं, ये लोगों ने मुझे देखा तो अजीब तरीके से लेकिन पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा सोच के विंग जा कर के बेड पर बैठ जाता है, फिर वो देखता है कि उसके कपड़े गीले हैं, तो वो सोचता है कि कुछ कपड़े चेंज कर ले, तो वो अपना सूटकेस जब खोल के देखता है तो वहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना वो भी गीले हो गए थे, तो वांग जी जो है सॉरी विंग जो है ना वो फटाफट जाता है चेक करता है कि यहाँ पे कोई कबर्ड हो, तो वहाँ पे एक कबर्ड था, तो विंग उसी में से एक पेयर निकाल लेता है और उसे पहन लेता है, और फिर पहनने के बाद वो खुद को देखता है मिरर में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बस उस चश्मे को हटाने की देरी थी, तो विंग बोलता है मैं इस चश्मे को नहीं हटा सकता वरना मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं मैं ऐसे भी बहुत क्यूट लग रहा हूँ, हाँ आई होप मेरी इस टाइम तो लाइफ अच्छी ही जाए, ऐसा बोल के विंग फटाफट
उस रूम में इधर से उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे रूम को घूमता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है एक रूम का जहाँ पे लान वांग जी, लान सिचन, साथ में लान सिचन के साथ एक एल्डर जिसका नाम लान सिचन लान कुरेन था। वो एल्डर एक्चुअली एक टीचर था। वो सभी और इसमें इस स्टोरी में जो लान कुरेन है वो वांग जी के कोई अंकल वंकल नहीं लगते, ठीक है, वो सिर्फ एल्डर है, ठीक है। एक तरफ से वो होता है ना महामंत्री, मंत्री ऐसा टाइप जो होते हैं ना, वैसे टाइप में था वो। बच्चों को शिक्षा देता था, ट्रेनिंग भी करवाता था और साथ में किंग को राय भी देता था, तो इसीलिए। और सिचन भी जो थे ना वो एक तरफ से जैसे असिस्टेंट टाइप होते हैं ना वैसे था वांग जी का, भले ही भाई है बट वो था पद में, ठीक है। तो वांग जी जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ था और वो दोनों बोलते महाराज ये तो पूरा विभूषण की तरह लग रहा है, यिलिंग पेट्रैक की तरह। वांग जी कुछ नहीं बोल रहे थे, एकदम चुप था। फिर इसके बाद लैंसिटन बोलता है बस इसमें कुछ चीज़ की कमी है, जैसे कि इसके लंबे बाल, इसके कपड़े पहन वस्त्र पहनने के तरीके और साथ में उसके आँखों में लगा हुआ वो अजीब सा धातु, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, वो अजीब सा चीज़ क्या था जिसे आँखों में उसने पहना हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इस तरफ लैंकुन बोलते हैं शायद उसके दूर की दृष्टि या फिर हाँ दूर की दृष्टि शायद कमज़ोर है, उसी के लिए शायद उसे आँखों में यूज़ किया है उसने। तो सिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है तब। तो जो लैंकुरन है वो बोलते हैं और मुझे देखने से ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी है ये लड़का, पता नहीं इसका ऐसा हालत कैसे हो गया। तो लान वांग जी बोलते हैं ऐसा है ना कि उस पर नज़र रखो, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उस पर पल पल की नज़र रखो और मुझे रिपोर्ट करो, बाद में सोचेंगे किसका क्या करना है। तो सभी ओके बोल देते हैं। उसके बाद लान वांग जी जो है अपने सेक्ट का काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकलता है, उस रूम से निकलता है और वो भ्रमण पे चला जाता है, आई थिंक भ्रमण ही बोलते हैं उसे, वहाँ पे चला जाता है और सब जगह देखने लगता है कि कैसे क्या काम हो रहा है सब। तो वो ना विंग के रूम के बगल से जा रहा था तो वो देखता है, सोचता है कि वो एक बार जा के देखे कि विंग क्या कर रहा है। तो वो जब अंदर जा के देखता है ना तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि विंग वहाँ पे एक एरिया में कुछ बुक्स रखे हुए थे उसी रूम में, तो विंग जो है ना उस बुक को निकाल के उन सभी बुक को पढ़ रहा था, करीब 2 से 3 बुक तो उसने पढ़ ही लिया था। तो वांग जी अंदर जाता है, वो जब अंदर जाता है तो विंग को होश ही नहीं था कि मतलब कोई अंदर भी आ गया। तो वांग जी जाके थोड़ा सा मतलब आवाज़ करता है तब विंग जाके ऊपर देखता है और विंग जब ऊपर देखता है तो वो बोलता है ओह महाराज, ऐसा बोल के वो खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ काम नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि इन किताबों को ही पढ़ लेता हूँ। तो वांग जी अपने मन में सोचता है विंग को बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे किताबों से चिढ़ होती थी जब तक ले वो किताब तालिस्मान से रिलेटिव ना हो। तो वांग जी पूछता है क्या पढ़ रहे हो। तो फिर जो विंग है वो दिखाता है कि यहाँ पे कुछ रूल्स बुक है शायद, मैं ये पढ़ रहा था। तो लान वांग जी तो एकदम पूरा सॉफ्ट। विंग बोलता है कि क्या मुझे और भी कुछ किताबें मिलेंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कोई काम होगा, मतलब काम करने को मिलेगा। तो लान वांग जी जो है ना हमें सर हिला देता है। उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहाँ पे जा करके तुम जितना मन चाहे उतना किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन फॉरबिडन एरिया में तुम जा नहीं सकते हो। तो विंग बोलता है जी ज़रूर, ऐसा बोल के वो थोड़ा सा झुक जाता है क्योंकि उसे सब चीज़ पता है कि किस तरीके से किंग को आदर करते हैं और किसके साथ किस तरीके से बातें करते हैं, उसे सब कुछ पता है। तो वांग जी उससे पूछता है कि तुम जहाँ रहते थे वहाँ पे क्या तुम्हारे कोई परिवार से नहीं थे क्या। तो विंग बताता है कि वो जहाँ पे रहता था, वो जहाँ से आया है, वहाँ पे मेरी फैमिली तो थे लेकिन वहाँ पे कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। अब उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि मतलब वो लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते थे, मुझसे नफरत क्यों करते थे, मेरी कोई भी बातों को नहीं सुनते थे, मुझे इस तरीके से इग्नोर किया जाता था जैसे मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी जान देने का तय किया कि मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, कम से कम किसी की आंखों में चुभूंगा तो नहीं। ऐसा बोल के विंग एक टूटा सा एकदम स्माइल करता है, एक दर्द भरा स्माइल। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है तुम अच्छा ठीक है ऐसा बोल के उसे चुप हो जाता है वांग जी। फिर वांग जी बोलते हैं और कौन कौन परिवार में थे। तो विंग बताता है कि उसके परिवार में उसकी माँ, उसके बाबा, उसका एक भाई और उसकी एक बहन थी। माँ का नाम जियांग मैडम यू था और पिता का नाम जियांग फैम्या, साथ में भाई का नाम जियांग जैन और बहन का नाम जियांग याली था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, पता नहीं क्यों, क्या कारण था मुझे नहीं पता। तो वांग जी जो है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुम इतनी बुक्स कैसे पढ़ ले रहे हो, समथिंग उसे पढ़ाई से रिलेटेड बात करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग उसे अपने बारे में सब बताने लगता है कि उसने स्कूल पूरा स्कॉलरशिप पे किया, अपने दम पे किया और यहाँ तक कि कॉलेज भी अपने दम पे ही कर रहा था, लेकिन फिर वो
अपनी लाइफ से परेशान हो गया, तो फाइनली उसने छोड़ दिया कि वो नहीं करेगा, वो अपनी जान दे देगा। ये सारी बातें सुन के लान वांग जी थोड़ा सा सैड होता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है डिनर डाइनिंग टेबल का सीन। डाइनिंग टेबल पे लान वांग जी और लान सिचन और साथ में विभूषण हमारा, वो सभी बैठ के डिनर कर रहे थे। वीन जो डिनर कर रहा था वो एक्चुअली लैन क्लान का फूड था, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स एंड सूप एंड राइस एंड समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो वीन जो है शांति के साथ उसे खा रहा था। तो लैन सिचन पूछते हैं कि क्या खाना आपको अच्छा लगा, तो विंग बताता है कि वो जहाँ पे रहता था अपने घर में, वो वहाँ हमेशा से बाहर से ला के खाना को खाता था। उसे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा खाना मिला है और फर्स्ट टाइम इतना हाथों से बनाकर घर से घर पे मेरे साथ कोई बैठ के खा रहा है, और मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भले ही इसमें स्पाइसेस नहीं है, बट मुझे ये खाना पसंद आया बहुत ज़्यादा और मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुन के लान सिचन तो पूरा सॉक्ट, और लान वांग जी भी, और लान वांग जी और लान सिचन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग को। उसके बाद उसे उसकी लाइफ से रिलेटिव सारी बातें पूछते हैं, कुछ बातें ऐसे ही एक बार में ही तो पूरा नहीं पूछ सकते हैं, तो इसलिए कुछ थोड़ा बातें पूछते हैं। और विंग भी बताता है एकदम खुले मन से, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बातों को कोई सुनने वाला हो, तो इसलिए वो भी बताता है अपनी सारी बातों को। और इस तरह वांग जी सिचन भी बताते हैं कि उसके क्लान है, वो प्रिंस है, सेकंड प्रिंस है, अपने बारे में सारी जानकारियां देता है। उसके बाद यहां से सीन शिफ्ट करके हमें एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पे कुछ लोग थे, उसमें से एक इंसान बोलता है महामहिम मैंने देखा है वो वही है, हीलिंग पेट्रिया के वो वापस आ चुका है। ये सुनते ही वो बोलता है, वो जो इंसान रहता है ना वो बोलता है तो ठीक है दोबारा उसे मार दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मार के हमारे रास्ते से हटाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस रास्ते में आए। ये सुनते ही वो इंसान जो अभी आया था एक सैनिक, वो ना वो करता है उस इंसान को। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। मॉर्निंग में विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन ये खाना उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो खा लेता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना उसे बहुत अजीब लगने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सैनिक उसे देखते हैं बेहोश, तो उसे उठा करके लेके जाते हैं हीलर्स रूम में। और लान वांग जी और लान सिचन को भी ये खबर पहुँच जाती है, वो जाते हैं हीलर्स रूम में उसको चेक करने के लिए, तो पता चलता है कि विंग को क्या बोलते हैं पॉइजन दिया गया है। ये सुनते ही लान वांग जी पूरा सॉफ्ट, और वो सोचता है कि विंग तो इस जगह से है भी नहीं, तो फिर भला इसको यहाँ पे कौन मारने की कोशिश करेगा। ये सोचते ही ना उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद जो लान वांग जी है वो उसके बाद बोलता है कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, तो हीलर्स भी ओके बोल देते हैं। उसके बाद फटाफट अपने काम में लग जाते हैं, फटाफट विंग का इलाज किया जाता है। जैसे तैसे करके विंग का इलाज हो तो जाता है, लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। हीलर्स बताते हैं कि विंग पहले से ही वीक था, और उन्हें ये जहर दे देने के बाद उनकी बॉडी और भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। इन्हें प्रॉपर रेस्ट और एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, और इन्हें पूरा खाना देना होगा, प्रोटीन से भरा हुआ सारा खाना इन्हें देना होगा, जिससे इनके बॉडी में जैसे जैसे ताकत मिलेगी ना वैसे वैसे इनका जो जहर है ना उसका लेवल कम हो जाएगा, तो इन्हें अच्छे से इनका ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही वांग जी ओके बोल देता है। उसके बाद विंग को ना पूरा डाइट दिया जाता है, उसको खाना टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है, उसको रेस्ट कराया जाता है। उसे एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहा गया था ज़्यादा, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करता तो जहर का जो मतलब अगर वो बेड से उतरता भी तो उसका जो जहर जो उसके बॉडी में थोड़ा बहुत अभी भी है वो उसे चलने फिरने से उसका जो मात्रा है ना अधिक बढ़ जाएगा, तो इसीलिए विंग को बेड पर ही रह के उसे खाना वाना खिलाया जाता है, उसे उसके थोड़ा सा हौसला बढ़ाया जाता है, ऐसा करा करा के विंग फाइनली ठीक हो ही जाता है। बाद में वांगजी मतलब वांगजी जो है ना जब पता चलता है कि विंग को जहर दिया गया है, तो वो बोलता है अपने सैनिकों को, अपने सैरो गार्ड्स को बोलता है कि पता लगा कि किसने ये जहर देने की कोशिश की है। तो जब विंग ठीक हो जाता है ना उसके बाद जा करके जो वांगजी है ना उसके पास एक सैनिक आता है, उसका जो सैरो सैनिक है ना सैरो गार्ड उसमें से एक सैनिक आता है और वो बताता है कि पता चल गया है महाराज कि किसने ये जहर देने की कोशिश की है। हमारे यहाँ का एक सैनिक था, उसी सैनिक ने ये जहर उनके खाने में सुबह के नाश्ते में दिया था। ये सुनते ही जो वांग जी है ना वो बोलता है कि फटाफट उसे लेकर के आओ, तो वो सैनिक को लेके आया जाता है। लान वांग जी उससे पूछता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई, किसने तुम्हें कहा था वो जहर देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास तो इतना हिम्मत होगा नहीं कि तुम आओ आ करके दे दो उसे जहर, या फिर तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कि किसने कहा था। तो वो सैनिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलने से साफ साफ मना कर देता है कि उसे नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता, ऐसे बोलने लगता है। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और एक क्या बोलते हैं वो हंटर टाइप होता है जो उसे उठा लेता है, और फिर वो पूछता है कि सच सच बताओ कि वो कौन है जिसकी वजह से जिसके कहने से तुमने उसे जहर दिया है। तो वो सैनिक जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो वो जो है ना वांग जी जो है ना वो जो पूछ रहा है उसका तो जवाब दे नहीं रहा है, तो इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बहुत मारता है लेकिन वो सुनता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो उसे फेंक के अपने तलवार को हाथ में ले लेता है, तो वो सैनिक और डर जाता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि महामहिम ने कहा था
तो वो पूछता है कि कौन महान, कौन महामहिम, तो बोलते हैं जिन सेक्ट लीडर। ये सुनते ही जो है ना वांग जी का जो है ना खून खौल जाता है। उसके बाद फिर जो वांग जी जो है ना वो सिचेन की तरफ देखता है और सिचेन बोलता है जी महाराज मैं समझ गया। उसके बाद वांग जी जो है ना वो वहाँ से विंग से मिलने के लिए चला जाता है। इस दौरान विंग के ख्याल रखने की वजह से ना वांग जी और विंग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। विंग का आज तक कोई भी ऐसा ख्याल रखा नहीं था, जिसके कारण से वांग जी अगर रख रहा है तो विंग के ना अंदर जो है ना वांग जी को लेकर फीलिंग्स बढ़ने लगी थी और वो मन ही मन में शायद वांग जी को पसंद भी करने लगा था। अब वो लाइक कर रहा है या लव कर रहा है वो तो विंग ही जाने अभी फ़िलहाल। तो वांग जी जो है ना वो विंग के पास जाता है। फिलहाल तो वांग जी भी विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगा था। वो विंग से बातें करता है और विंग को ठीक ठाक देख के उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब विंग अपने रूम से भी बाहर निकलने लगा था क्योंकि वो हीलर रूम से फिर अपने रूम में शिफ्ट हो गया था। तो फिर वो अपने रूम से भी वो बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने लगा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये ज़िंदगी, उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था ये ज़िंदगी, यहाँ के लोग उसे काफ़ी पसंद आ रहे थे। लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि मतलब उसके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उससे नफरत कर रहे हैं शायद। जी हाँ, यहाँ पे वांग जी मतलब वांग जी को कुछ लड़कियाँ पसंद करते हैं, मतलब ये कह लो कि कुछ राजकुमारियाँ। तो वो राजकुमारियाँ जो है ना वो एक दिन आती हैं सभी के सभी लैंड क्लान में। वो लैंड क्लान में आती हैं, आने के बाद उन्हें पता चलता है यहाँ पे यिलिंग पेट्रियार्क वापस आ गया है। जब वो आती हैं यिलिंग पेट्रियार्क को देखती हैं तो उसे लगता है कि ये तो भुंदूस आया है, ये क्या कर लेगा भला हमारा। तो वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं। विंग को उसे उस सबसे कुछ मतलब नहीं था क्योंकि भाई उसके नाम यिलिंग पेट्रियार्क थोड़ा है जो उसे फ़र्क पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं बोलता है। इस तरफ वांग जी को पता चलता है कि सारी राजकुमारियाँ आई हैं, तो वो लैंड सेजन को भेज देता है उनको हैंडल करने के लिए। तो लैंड सेजन उसके पास जाता है और वो पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं, तो वो बताते हैं कि वो किंग से मिलने के लिए आए हैं, उससे थोड़ा बातचीत करने आए हैं। तो जो लैंड सेजन है वो बोलते हैं कि आप लोग को पता है ना कि किंग नहीं मिलते हैं किसी भी राजकुमारियों से, फिर आप लोग क्यों आए हैं मिलने, आप लोग को चले जाना चाहिए। तो राजकुमारियाँ जो है ना वो बोलती है कि पर हम एक बार किंग से मिलना चाहते हैं, वो हम में से किसी को पसंद कर लेना ताकि हम में से किसी एक से वो शादी कर सकें। तो जो लैंड सेजन है वो बोल देते हैं कि साफ साफ कि ये फैसला महाराज का होगा कि वो किससे शादी करेंगे, ये फैसला आप लोग नहीं रख लेंगी कि आप लोग के कहने पर ही वो चूज़ करेंगे किसी एक को। तो इससे अच्छा होगा कि आप चुपचाप यहाँ से अपने घर चले जाइए, वरना फिर महाराज जो आगे करेंगे उसके लिए फिर आप रेडी रहेगा। ये सुन के सारी राजकुमारियाँ डर जाती हैं, फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। इस तरफ विंग जो कि गार्डन में घूम रहा था उसके पास वांग जी आता है। वांग जी आता है, आने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर घूम क्यों रहे हो इस तरीके से। तो विंग बताता है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पर कितनी शांति है। तो वांग जी बताता है कि हाँ यहाँ पे शांति तो है, पर एक वक्त था जब यहाँ पे शांति नहीं था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्ती आई थी। तो ये सुनते ही विंग हंसने लगता है और फिर बताता है कि हाँ उसे पता है, उसने बुक में पढ़ा था कि यिलिंग पेट्रियार्क काफ़ी ज़्यादा मस्ती खोर थे, वो उन्हें मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो काफ़ी बुरा था। ये सुनते ही दुलान वांग जी वो शांत हो जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शक्ल हूबहू उन्हीं की जैसी है, उसी की जैसी है। ये सुनते ही लाल मांझी सॉफ्ट, क्योंकि तस्वीरों में उनका चित्र एक कार्टून टाइप बनाया जाता है, एनिमी कैरेक्टर टाइप, और रियलिटी में शक्ल ऐसा होगा, फेस होगा ऐसा उसे तो नहीं पता था। तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर बोलता है कि ये कैसे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लाल मांझी बताता है कि क्या उसने कभी गौर किया कि उसके भी लिप्स की ठीक उसी दिशा के नीचे क्यों मोल है। ये सुनते ही वांगजी जो है ना सॉरी विंग जो है ना वो सोच में पड़ जाता है और वो अपने लिप्स को टच कर लेता है और फिर वो सोचता है कि हाँ ये सही है। फिर वो बोलता है कि हाँ, ये तो कुछ भी मेल खा ही सकता है एक दूसरे से, तो क्या हो गया। तो वांग जी जो है ना काफ़ी सारी उसको हिंट देता है, तो विंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि मुझे ना भूख लगी है तो मैं जा रहा हूँ कुछ स्नैक्स खाने, तो ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है लगता है शर्मा गया, ऐसा बोल के वो भी दूसरे दिशा में चला जाता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है जिन क्लान पे ना जो लाइन से चला वो वहाँ पे चले गए थे, जाने के बाद वहाँ पे जा करके साफ साफ वार्निंग देते हैं कि वो ऐसा कुछ ना करें क्योंकि वी वोशियान वो नहीं है, यिलिंग पेट्रियार्क नहीं है वो। तो फालतू में अपना ये जो माइंड का जो खेल है ना उसे खेलना बंद कर दे वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा, ऐसा उसे वार्निंग करके वापस सिचन आ जाता है लैंड क्लान। लैंड क्लान आने के बाद विंग और वांग जी और साथ में सिचन ये तीनों भी मिलकर काफ़ी सारी बातें करते हैं, साथ में अपना लंच डिनर सब कुछ साथ में करते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन अचानक से जो है ना जो जिन जूशन जो है ना वो लैंड क्लान पर अटैक कर देता है सबसे खिलाफ होकर के, और
ऐसा करते ही ना वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जब विंग को ये इस बात का पता चलता है ना तो वो बहुत रोता है और बहुत रोता है, और वो खुद को ही दोषी बोलता है और बोलता है कि मेरी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, मैं वहाँ पे भी चांद वहाँ पे भी मैंने सबको दुखी नहीं दिया है, यहाँ पे भी मैं सबको दुखी दे रहा हूँ, मैं एक पनौती हूँ, पनौती, मेरा कोई भी अपना नहीं हो सकता है, मैं किसी को अपना कहलाने लायक ही नहीं हूँ, थोड़ा सा भी खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं है, ऐसा बोल के वो खुद को बहुत ज़्यादा दोषी ठहरा रहा था। तो वहाँ जी जो है ना उसको हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करता है, और विंग जो है ना वो काम भी हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी रो रहा था। तो लाइन सिचैन और लाइन वांग जी उसे शांत करते हैं, उसके बाद उसे एक रूम में रखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं युद्ध के लिए, युद्ध करते हैं, युद्ध में वांग जी जीत जाता है और जिन दुश्मन का यहाँ पर मौत हो जाता है, और वो सारे के सारे सेक्टर वालों को ना वार्निंग दे देता है साफ साफ कि कोई भी इन लोहा से रिलेटिव कोई भी एक वर्ड भी बोला तो मैं उसे ज़िंदा मार दूंगा, ऐसा बोल के हर जगह वो अपने सैनिकों को फैला देता है, जिसके कारण से अब किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं हो गई थी कि वो यिलिंग पेटक और यिलिंग हुआ से रिलेटिव कोई भी बातें कर रहे। अब हमें सीन दिखाया जाता है, कुछ दिनों के बाद का सीन है, ठीक है। यहाँ पे जो लान वांग जी है वो अपनी सभा में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहा था, कुछ मैटर्स उसके पास आए थे उसको डिस्कस कर रहा था, उसके बाद वो जाता है अपना मीटिंग्स को कंप्लीट करके, अपने सभा को कंप्लीट करके वो जाता है अपने रूम में, वहाँ पे जाकर वो कुछ पेपर्स थे उसे चेक करता है, उसके बाद वो चला जाता है विंग के पास। जब वो विंग के पास जाता है तो वो अब विंग को देखते हैं, विंग का जो कि हेयर है जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका था, कंधे तक उसका हेयर आता है, और उसका जो मतलब वो बॉडी था ना अब थोड़ा सा हेल्दी हो चुका था, क्योंकि वांग जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था उसे थोड़ा सा पतला से मोटा बनाने में, थोड़ा सा हेल्दी बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ उसका प्यार तो था ही था, उस पर तो पूरा बरसता था प्यार। विंग को देखते ही वांग जी का हार्ट बीट जो है ना वो फास्ट अप हो जाता है। वांग जी विंग के पास जाता है और वो पूछता है कि उसे कि क्या तुम ठीक हो, तो विंग बताता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो वांग जी पूछता है कि तो हम चले लंच के लिए, तो वो ओके बोल देता है। फिर उसके बाद वो लोग लंच करने चले जाते हैं सिचान के साथ, और वांग जी के साथ वो लंच करते हैं। उसके बाद सिचैन जो है ना वो बताते हैं कि अब हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल आ रहा है जो कि लैंटर्न फेस्टिवल कहा जाता है उसे, और ये हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मास्टर वे। ये सुनते ही विंग जो है ना खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में, हाँ मैंने बुक्स में पढ़ा है इस तरीके के फेस्टिवल के बारे में, इस फेस्टिवल में सभी लैंटर्न्स को जलाकर उसे हवा में उड़ाते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, खास करके कपल्स इस फेस्टिवल को ज़्यादातर मनाते हैं। तो लैन सिचैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, कपल अपने हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विशेष करते हैं लैंटर्न्स को जलाकर, और जो कुंवारे रहते हैं जो सिंगल रहते हैं वो अपने लिए एक अच्छा सा मैरिड पार्टनर के लिए विशेष करते हैं और अपनी खुशियों के लिए विशेष करते हैं, जो उनका मन आता है वो विशेष करते हैं, और हाँ लैंटर्न में विशेष को लिखा भी जाता है, तो क्या आप मनाएंगे। तो विंग जो है ना वो बोलता है मैं बहुत एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, मैं भी मनाऊंगा। तो वांग जी जो है ना एक स्माइल करता है, उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हम दिखाया जाता है पूरा जो वो घुसू है ना, पूरा एरिया जो है ना जितना भी जगह था सबके सब जगह को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लान वांग जी और लान सिचैन मिलकर कुछ अलग भी प्लान कर रहे हैं जो कि हमें बताया नहीं जाता है, ठीक है। अब हमें लैंटर्न फेस्टिवल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, लैंटर्न फेस्टिवल सब लोग मना रहा था, और वांग जी विंग सिचैन सभी लोग मार्केट आए थे घूमने के लिए, और विंग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, वो पूरा जगह घूम रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पूरा मार्केट घूमने में। फिर उसके बाद एक जगह पे आके ना सिचैन जो है ना वो वहाँ से हट जाते हैं, मतलब वांग सन से दूर हो जाते हैं, वो बोलते हैं वांग जी को कि जाए वो विंग के साथ थोड़ा एंजॉय करें, मैं थोड़ा सा जाता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं अपने पार्टनर के पास, बिकॉज सिचैन भी किसी के लव में है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं उसके पास, ठीक है। और जो वांग जी है विंग है वो दोनों अपना मार्केट एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं एक लैब के किनारे, वहाँ पे जाकर के अपने लैंटर्न को एक साथ वो जलाते हैं, और वहाँ पे जाकर के लान वांग जी विंग को प्रपोज़ करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और विंग जैसे ही हाँ करता है वैसे ही आसमान में आतिशबाजी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के जाता है बोट पे, और वहाँ पे काफ़ी सारे लैंटर्न्स का नज़ारा विंग को दिखाता है, और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पानी में भी कुछ लाइट्स लगे हुए थे जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे हुए थे। वांग जी पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ख्वाहिश है शादी से पहले का, तो विंग बताता है कि बोलता है कि मुझे एक बार अपनी फैमिली को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे देखना है, मुझे जानना है कि मतलब मेरी फैमिली अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरी फैमिली कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही जो वांग जी है ना ओके बोलता है, उसके बाद वो कुछ मंत्रों को चाइंड करता है, वो कुछ मंत्रों को बोलता है अपने लिप्स के पास अपनी उंगली को लेके जाता है, और कुछ मतलब उसे कट करता है, ब्लड से कुछ तलिस्मान को ड्रॉ करता है, और फिर वो उसे वहीं के पानी पे फ्लोर कर देता है। तो जैसे ही पानी पे वो जा तालिजमान है ना वो जाता है ना, क्योंकि विंग ने उसे टच किया था, और विंग के माइंड में जो चल रहा था मतलब वांग जी ने कह दिया था कि तुम अपने माइंड में अपनी फैमिली मेंबर को सोचो, तो विंग वही सोच रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर का सीन, पानी के अंदर दिखाया जा रहा था कि विंग जो विंग की फैमिली है उनका सीन है, ठीक है।
हमें दिखाया जाता है कि विंग का जो है ना फ्यूनरल कर दिया गया था और उन लोगों को कोई अफसोस भी नहीं था, वो लोग अपना डेली लाइफ में बिजी थे। विंग के फ्यूनरल के दो तीन दिन बाद ही यानली का एंगेजमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी कर दिया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद जियांग चैन की भी शादी कर दिया गया है। अभी जियांग चैन अपने मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश है, मैडम यू भी काफ़ी खुश है और साथ में जियांग फैमिली भी खुश है। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि विंग गायब है इस घर से। ये देख के ना विंग को इतना रोना आता है, वो फूट फूट के रोता है। ये देखते ही ना वांगजी जो है ना उसे हक कर लेता है और उस सीनरी को वो हटा देता है। फिर उसके बाद वो विंग बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, इसीलिए वांगजी जो है ना विंग को किस कर लेता है और काफ़ी डीपली किस करता है। किस करने के बाद उसे रिलैक्स करता है। मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ किया था स्टोरी में शायद कुछ फेरोमोन को लेकर, एनीवेज वो सब कोई इग्नोर कर दीजिएगा, अगर कुछ भी मिस्टेक होगा ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी, ठीक है। विंग को वो किस करता है, उसके बाद उसे लेकर के जाता है किनारे पे। उसके बाद वो लोग वांगजी जो है ना विंग को बोलते हैं कि ये सब भूल जाओ तुम। वांगजी विंग को बहुत ही प्यार से बोलता है कि ये सब गम को तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस वहाँ नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर उसे फिर फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मार्केट एंजॉय करते हैं, अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या, विंग अपना गम वम भूल के आराम से सारा फेस्टिवल एंजॉय करता है। अभी भी मैं बता देती हूँ कि विंग जो है चश्मा को लगाता है, ठीक है। विंग चश्मा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके बाद उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वैसे उसके मतलब वांगजी ने हीलर से बात किया था उसकी आंखों को लेकर कि वो चश्मा हट जाए, लेकिन हीलर से बताया था कि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हीलर्स जो है ना वो औषधियाँ कलेक्ट कर रहे हैं उसके आंखों के इलाज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी भी फिलहाल के लिए अभी भी चश्मा उसे लगा हुआ है। उसके बाद तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद वांगजी ये सारा अनाउंसमेंट कर देता है कि विंग के साथ वो शादी करने वाला जल्दी। फिर थोड़े दिनों के बाद ही पूरा महल जो है ना सजना स्टार्ट हो जाता है, पूरी जगह सजना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो सभी जो एल्डर्स है वो शिकायत कर रहे थे कि भला कैसे वो एक लड़के से शादी कर सकते हैं, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा वगैरह वगैरह सब, ठीक है। तो सिचन ने बोल दिया था कि जो मैं हूँ, मतलब सिचन बोला था कि मैं अभी बचा हुआ है, मैं अपने इस क्लान को वंश दे दूंगा, पर भाई को कोई नहीं रोकेगा, भाई शादी करेंगे उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इसीलिए किसी ने फिर कुछ नहीं बोला कि भाई जाने दो, जब वो रेडी है छोटा भाई तो ठीक ही है, क्योंकि सिचन ने बता दिया था कि वो किसी से प्यार करता है, वो कोई और नहीं बल्कि मतलब एक राजकुमारी है जो कि सैन फैमिली से, सैनली उसका नाम है, तो वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे ही वो शादी करेगा। तो इसीलिए सब कुछ नहीं बोले थे। फिर उसके बाद सारी तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती है, शादी की तैयारी हो जाती है। उसके बाद वांगशन रोप्स भी अपना सिलवा लेते हैं। उसके बाद जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाता है, शादी का दिन आता है फिर वो लोग रेडी होना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा गुसु सिटी पूरा लाल कलर से सजा हुआ था, जहाँ देखो वहाँ रेड फ्लावर्स, रेड कर्टन्स, सब चीज़ रेड 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 रेड। ओके, तो जो वांगजी का सीन दिखा देता है, वांगजी जो कि अभी रेड कलर का हांफू पहन रहा था, सिचन उसके पास ही था। सिचन बोलते हैं कि भाई आज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे, देखना आपको विंग मास्टर वे जब देखेंगे ना तो वो देखते ही रह जाएंगे। ये सुनते ही वांगजी एक स्माइल करता है। उसके बाद हमें विंग का सीन दिखाया जाता है, विंग भी जो कि हांफू पहन रहा था, लेकिन एल्डर्स ने कहा था कि विंग को वेल भी डालना होगा, तो वो मान गया था, तो विंग को वेल भी पहनाया गया था। वहाँ पर शैनली उसके साथ थी। सारा रस्म स्टार्ट होता है विंग और वांगजी का, फिर वेडिंग स्टार्ट होता है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद ही बैंक्वेट जो रखा गया था उसे स्टार्ट किया जाता है, बैंक्वेट को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हमारे विंग को लेके जाया जाता है जिंसी में ले जाकर के उसे बैठा दिया जाता है। तो इस तरफ रान वांगजी जो कि कुछ एल्डर से मिल रहा था, कुछ बातें कर रहा था, उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से वो निकल जाता है सारा काम फिनिश करके। वो विंग के पास आता है, विंग देखता है विंग जो है ना बैठा हुआ है बेड पे और वो काफ़ी नर्वस लग रहा है, तो वांगजी एक स्माइल करता है। उसके बाद उसके पास जाता है, वो उसका वेल हटाता है। उसके बाद वो विंग को देखता है, विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और आज उसने चश्मा भी नहीं लगाया था क्योंकि वेद ने वो दवा बना लिया था जिसके कारण से डेली यूज़ करने से वो विंग की आँखें जो है ना वो ठीक हो गई थी, तो इसीलिए अब वो चश्मा यूज़ नहीं करेगा। और विंग जो है उसने चश्मा वेयर नहीं किया था और जिसके कारण से वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो वांगजी उसके फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद वो अपना वेडिंग नाइट स्टार्ट कर देता है। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है करीब 3 से 4 महीने के बाद का सीन है, ठीक है। एक दिन जो लान वांगजी है वो ना अपना सभा ले ही रहा था, तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है और फिर वो महाराज चिल्लाने लगता है। तो लान वांगजी पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपना मैनर्स भूल गए क्या, किस तरीके से दरबार में आते हैं, तुम्हें क्या पता नहीं, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, ढंग से बोलो, ऐसे से मतलब बोलने लगता है। तो जो सैनिक है ना वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो बो करते हुए बोलता है, महाराज माफ़ कर दीजिए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर लान वांगजी को वो बताता है कि जो मास्टर वे हैं वो मिसेस लैन जो है ना वो बेहोश हो गई हैं, वो गिर गई हैं। तो फिर वांगजी जो है ना फटाफट अपने सिंघासन से उठ जाता है और बोलता है क्या, कैसे गिर गई, क्या हुआ, ऐसा बोल के तुरंत भागने लगता है, दौड़ने लगता है, मतलब जाने लगता है विंग के पास। वो जाकर देखता है तो विंग जो है ना वो अपने रूम में बैठा हुआ है, मतलब जिंसी में बैठा हुआ है बेड पर।
और हीलर्स आकर के उसे चेक कर रहे हैं, हीलर्स चेक कर रहे हैं, दो बार चेक कर रहे हैं, तीन बार, मतलब बार बार उसे चेक ही कर रहे हैं। तो वांग जी जो है ना पूछता है कि क्या हुआ। एक मैं बता दूँ कि जो वींग और वो हीलर्स के बीच में एक नेट का फैब्रिक है, मतलब पर्दा है, ठीक है, और हीलर्स सिर्फ वींग जो है ना सिर्फ नेट से बाहर अपने हाथ को रखा है और जो हीलर्स है वो सिर्फ उसके हाथों को चेक कर रहा है, ठीक है। तो जो लान वांग जी है ना वो पूछता है कि क्या हुआ है वींग को। तो फिर वो जो हीलर्स है ना वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वांग जी जो है ना चिल्ला के बोलता है क्या मतलब तुम हीलर और तुम्हें ही नहीं पता। तो वो हीलर्स है ना वो बताते हैं कि असल में मैडम लान जो है ना वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो कैसे प्रेग्नेंट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लान वांग जी है ना वो बोलते हैं सही से जांच करो। उसके बाद वो जो है ना कुछ ब्लड टेस्ट वेस्ट करते हैं, कुछ स्पेल पढ़ते हैं और कुछ मैजिक वैजिक करते हैं कुछ, ठीक है। तो उन्हें पता चलता है कि विंग के पास एक वॉर्म था, जैसे महिलाओं के पास वॉर्म होता है उसी तरीके से विंग के पास एक वॉर्म था, इसी कारण से विंग जो है इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गया। तो ये सुनते ही ना विंग पूरा सॉफ्ट, वांग जी भी सॉफ्ट। उसके बाद हीलर्स वहाँ से चले जाते हैं बोल के कि इनका अब अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी मतलब अलग होगी, तो इसीलिए इनका पूरा ध्यान रखना होगा। तो वांग जी भी ओके बोल देता है। उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग के पास बैठता है। विंग बोलता है क्या यही वो रीज़न था जिससे मेरी फैमिली मुझे इतना ज़्यादा नापसंद करती थी। तो वांग जी जो है ना वो उसे हक कर लेता है। विंग जोर जोर से रोने लगता है कि उसकी फैमिली सिर्फ एक इस रीज़न की वजह से नहीं उसे पसंद करती थी उसकी फैमिली। विंग जो कि अब इस बात को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, वांग जी उसे काफ़ी बार मना करता है कि मत इस बारे में सोचो, बट विंग रह रहे कि उसे यही सब बातें याद आते थे तो वो सैड हो जाता था। उसे उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे काफ़ी चीज़ वांग जी करता था और सचिन भी उसकी पूरी हेल्प करता था। उसके बाद टाइम बीतता जाता है, सचिन की भी शादी करवा दिया जाता है ताकि जो विंग है वो अकेले ना रहे महल में, इसलिए उसकी भी शादी करवा दी जाती है। अब वो दोनों ही, सचिन की वाइफ और जो विंग है वो दोनों ही मिलके रहते थे। अभी सचिन की वाइफ जो है ना वो विंग का पूरा ध्यान डाइवर्ट कर लिए, पूरा ध्यान उसे पूरा उसका ख्याल रखती थी, उसे थोड़ा सा भी टाइम सोचने का नहीं देती थी। और जिस टाइम वांग जी आ जाता था वांग जी अब उसका ध्यान रखने लगता था। ऐसे ही टाइम करते 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 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने बाद जाकर के विंग को एक बेबी बॉय बर्थ होता है और वो काफ़ी हेल्दी बॉय रहता है। विंग की सर्जरी की गई थी, उस सर्जरी से ही विंग बेबी को बर्थ दिया था। थोड़े कुछ करीब सर्जरी के बाद 5 दिन तक विंग बेड पे ही था और वो हिल डुल नहीं पाता था और साथ में उसे थोड़ा थोड़ा चीज़ खाने पीने के लिए दिया जाता था और पूरा डाइट फॉलो किया जाता था, उसका पूरा ख्याल रखा जाता था, उसे A to Z एक बूंद भी उसे मतलब अकेले नहीं छोड़ा जाता था, बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाता था। वांग जी अपने सभा को भी संभालता था और साथ में बच्चे को भी ख्याल रखता था। बेबी को डिलीवरी किए हुए 1 हफ्ता हो गया था। विंग अभी काफ़ी बेहतर फील करता था, उसके स्टिचेज भी खोल चुके थे और उसको काफ़ी अच्छा डाइट फॉलो करता हुआ खाना खिलाया जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, विंग पूरा रिकवर हो जाता है। अब वो अपने बच्चे का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखता है और साथ में वांग जी भी उसका ख्याल रखते हैं। समय बीतता है, लन सचैन की वाइफ ने भी एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था और वो लोग अपनी लाइफ में इसी तरह खुश थे। टाइम बीतता है और करीब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग फिर से प्रेग्नेंट था और विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी को, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वांग जी बोलता है माफ़ कर दो मैंने बहुत कोशिश की है बट तुम हो गए, मैं क्या करूं। तो विंग चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कितनी बार कहा था कि आप ध्यान रखिए कि मैं प्रेग्नेंट ना हूं, लेकिन फिर भी आपने ध्यान नहीं रखा ना, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूं। बट वांग जी जैसे भी तैसे करके उसे मना ही रहता है और इस बार विंग को एक बेबी गर्ल हुआ था। सो गाइस, ये फैन फिक्शन हम यहीं पर एंड करते हैं। अब इस फैन फिक्शन में कुछ भी मुझसे गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पार्ट और ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आई मीन नेक्स्ट स्टोरी में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा, गुड नाइट।